खबर उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से संवेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। जैन समाज के लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान करीब एक घंटे से अधिक समय तक यात्री परेशान रहे। रविवार देर शाम सुहाग नगरी में घंटाघर से मशाल जुलूस निकाला गया। संवेद शिखर को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के विरोध में जैन समाज के लोगों द्वारा यह जुलूस निकाला गया था। जुलूस में महिलाएं और पुरुष भी शामिल थे। जैसे ही जुलूस सुभाष तिराहे पर पहुंचा, वहां पर जैन समाज के महिलाओं और पुरुषों ने जाम लगा दिया। आगरा से बात की तरफ आने और जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। जाम लगाने पर पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों ने जाम लगाए लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। करीब एक घंटे से अधिक समय तक हाईवे पर जाम लगा रहा। जाम में यात्री काफी देर तक परेशान रहे। मौके पर सीओ सिटी हरिमोहन जाम लगा रहे जैन समाज के लोगों से वार्ता करते रहे। काफी समय बाद जाम लगा रहे लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। दिल्ली पुलिस ने जो वहाँ पे जितने भी शांति प्रिय आंदोलन हो रहे थे उनमें से दिल्ली में आए आंदोलन करने के लिए पहुंची पब्लिक, दिल्ली पुलिस ने फालतू में उसके ऊपर पूरी रैली के ऊपर इतनी बुरी तरह लाठीचार्ज किया है, जिसमें से बहुत से हम लोगों के जैनी भाई और जो भी उस रैली में थे बहुत चोटें आई हैं। बच्चों को चोटें आई हैं, औरतों को चोटें आई हैं। गाड़ी भर के जेल जाने से कोई नहीं डर रहा साहब। अब तो या तो इनको हमें सौंप दें हमारा शिखर जी, वरना ये आंदोलन आज जो दिख रहा है उससे 10 गुना तेजी से बढ़ता ही जाएगा। अब ये कम नहीं होगा। इसका क्या सॉल्यूशन लगा सरकार खुद सोचे, वरना तो ये ऐसी जारी रहेगा चाहे ठंड हो या कुछ भी हो। अभी हमारा एक जैनी भाई और एक बहन हमारी दिल्ली में अनशन पर बैठे हैं, पूरी समाज अनशन पर बैठेगी। जितना भी टाइम है सरकार पे खूब सोच ले अच्छी तरह, और वरना तो फिर हमें क्या करना है, हम खुद सोच लेंगे। सरकार को एक मौका नहीं देंगे। फिर किसी भी कुछ भी होता रहे पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूरे सबके व्याप पे मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब तक जितने भी हमने मार्च निकाले हैं एक मतलब कोई भी छोटी सी दुर्घटना या घटना कुछ भी नहीं हुआ। कारोबार का नुकसान बहुत कर रही है सरकार। अरे केंद्र है, इसे अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। ये जैनों का परम तीर्थ है। इस तीर्थ के साथ हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, किसी भी हालत में नहीं करने देंगे। इसको पर्यटक स्थल नहीं बनने देंगे। ये तीर्थ स्थल है, इसको तीर्थ स्थल ही रहने दो। मोदी सरकार, मुर्दाबाद। शिखर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा सम्मेलन शिखर वापस दे दो। बस आप लोगों से यही हमें चाहिए और कुछ नहीं। हमारा उस सम्मेलन शिखर क्षेत्र से अनंत अनंत भगवान मोक्ष गए हैं उस सिद्ध क्षेत्र शिला पे, और हमारी वो शुद्धता है वही बनी रहे, अन्यथा उसे बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग नहीं करें कृपया। फिरोजाबाद से ब्रिजेश सिंह राठौर की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।